हेलो फ्रेंड, आपका मैथ लॉजिक नंबर वन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे दो नंबर स्वाइप किया जाता है जावा में। सेम टाइप का हमने दो वेरिएबल लेंगे। हमने लिया ए जिसका मान हमने 10 दिया और बी, एक बी दे रहे हैं जिसका मान हमने 20 दिया, और एक वेरिएबल सी ले रहे हैं। तीन वेरिएबल हमने लिया जिनमें दो वेरिएबल को मान दे दिया, सी को नहीं दिया है। सी की सहायता से हमने ए ए का जो मान है बी में स्वैप करेंगे और बी का मान है ए में स्वैप करेंगे। स्वैप मतलब कि हेरा फेरी करेंगे, मतलब अदला बदली करेंगे। चलिए आप कैसे करते हैं उसे हम प्रोसेस को दिखाते हैं। सर्वप्रथम इसे ए और बी के मान के प्रिंट करते हैं। देखिए सी सी में हम एक वैल्यू को स्वैप करेंगे और फिर ये खाली हो गया। ए में अब हम बी की वैल्यू को स्वैप करेंगे। उसके बाद अब देखिए बी खाली हो गया, अब सी की वैल्यू को, जैसे सी की वैल्यू को अब हम बी में स्वैप करेंगे, भेजेंगे। देखिए ए में था 10 जो सी में चला गया। देखिए अब देखिए बी ए ए में कुछ नहीं है, अब बी का जो वैल्यू है 20 वो चला गया ए में, ए में 20 हो गया। अब देखिए और ये सी में 10 पहले से पड़ा है, ए का जो वैल्यू सी में चला गया। अब देखिए हम सी की जो वैल्यू है वो लाकर हम बी में सेव कर देंगे, हो गया। अब देखिए प्रिंट करते हैं, देखिए क्या मान आता है। कंट्रोल यस से सेव करते हैं प्रोग्राम को। अब देखिए पहले कंपाइल करते हैं जावा सी से। आप रन करते हैं, देखिए परिणाम क्या आता है। ए में था 10 और बी में था 20। अब ए में जो था 10 वो चला गया बी में और बी की वैल्यू चली गई ए में। इस प्रकार जो होता है उसे स्वैपिंग कहते हैं, अदला बदली। मतलब कि ए के मान को बी में, जैसे कि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, जैसे कि इसमें ए का मान बी में चला गया है और बी का मान ए में चला गया। अगली बार हम बताएंगे आपको विदाउट अन्य वेरिएबल, मतलब अन्य वेरिएबल नहीं प्रयोग करेंगे, सिर्फ दो ही वेरिएबल का प्रयोग करके स्वैप करना बताएंगे। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, मन की बात शेयर करना तो कमेंट कर देना। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए पूरा।